वेलकम टू अभिपीडिया। आज हम लोग सेबी टॉपर सुमित से बात करेंगे, जिन्होंने इस साल 2022 में सेबी के ग्रेड ए ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसको क्लियर किया है। और आज हम लोग जानेंगे कि जो गिरीश तिवारी हैं उनका क्या स्ट्रैटेजी था, मतलब अपना एग्जाम के प्रति, और क्या मतलब किस टाइप से इन्होंने तैयारी की थी, और ताकि आप लोगों को भी फायदा मिल सके। तो सबसे पहले वेलकम गिरीश, और कैसे हो आप? थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं भी गुड, बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो यस सर। तो सर 2018 तक मैंने अपने कंपनी सेक्रेटरीशिप और बीकॉम कंप्लीट किया रनिंग के साथ। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, बट 2 साल पेंडेमिक की वजह से सबके ही खराब हुए हैं, तो उस वजह से वो भी अफेक्ट हो गया। बट हाँ, ये 2021 का, ये 2022 सॉरी का, ये सभी का एग्जाम आया तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देना चाहिए, तो इसलिए सर मैंने फिर वो भरा और अभी आपके तो ये सब आपका पहला अटेम्प्ट था? साथ। हाँ सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मैं निकल गया। जी, मतलब सेबी का पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? यस सर। हाँ, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स के, जो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है सर, स्टेट सिविल सर्विसेज हैं और बाकी इन सब के एग्जाम्स दिए हैं, और यूपीएससी के भी कुछ एग्जाम्स दिए थे, बट अभी फॉर्चुनेटली इसमें क्लियर हुआ तो अब तो ये आपका मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है? चलिए, हाँ सर, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपको आपका कॉमर्स, आप जनरल स्ट्रीम से ही थे? अच्छा, हाँ सर, मैं जनरल स्ट्रीम से हूँ और कॉमर्स 11th क्लास से ही कॉमर्स है, तो तो उसमें आफ्टर फिनिशिंग। यस सर। तो मतलब आपका जो कॉमर्स बैकग्राउंड था उससे मतलब आपके इस एग्जाम में क्वालिफाई होने में कितना फायदा मिला आपको? सर काफ़ी फायदा मिलता है बिकॉज मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया है, तो उसके बाद बहुत सारे पेपर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स और भी लॉज जो भी हैं यहाँ पे सभी के, वो बहुत से मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए थे अपने अपने कंपनी सेक्रेटरीशिप के कोर्स में। हाँ, वो कोर्स थोड़ा मेरे को 2018 तो 5-6 साल हो गए थे, तो उसको रिवाइज करने में और वापस से लाने में और एक सेबी के मोड में लाने में थोड़ा सा टाइम मिला लगा। बाकी सर फायदा तो होता है कॉमर्स बैकग्राउंड और जैसे कि मान लीजिए कि आपको पेपर टू में ज़्यादातर फायदा हुआ होगा क्योंकि आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादातर आपके कॉमर्स से रिलेटेड हैं, लेकिन आपका जो फेज वन के जो पेपर वन था उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा था? सर। वो क्योंकि क्वालिफाइंग है उसमें, जो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश, तो सर मैं इंग्लिश पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था बिकॉज मेरे को वो ज़्यादा अच्छे से बन रहा था, तो मैंने इंग्लिश के ज़्यादातर अपना करेक्ट करने की कोशिश करा बिकॉज 40% मार्क्स ही चाहिए हैं। जी, और मैंने फिर अपना रीजनिंग में मैंने इतनी मेहनत नहीं करी, और क्वांट में मैंने मेहनत करी सर, क्वांट और इंग्लिश मैंने किया, और उसमें ही है रीजनिंग में मेरे कुछ अच्छे नंबर भी नहीं है। बाकी सर करंट अफेयर्स था तो वो पार्ट टू में वो क्लियर हो गया। और आपका जो पेपर टू जो फेज टू है उसमें जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव थी उससे आप मतलब उसमें आपको आपने कैसे किया था, क्योंकि वो तो आपका टाइपिंग भी है, ठीक है, और एक तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिखना है, दूसरा आपका टाइपिंग होता है, तो उसको आपने कैसे अपना ये किया था, हैंडल किया था? सर वो एक चैलेंज था कि टाइपिंग की स्पीड तो होती नहीं है और फिर से वो एग्जाम लिखने हैं तो वो प्रॉब्लम होती है, बट हाँ सर फिर मैंने प्रैक्टिस करी डेडिकेटेड टाइपिंग करने के लिए, कुछ गेम्स के लिए टाइपिंग के लिए ताकि स्पीड बना सकूँ अपनी, जी और बहुत सारे सेबी के रिलेटेड जो एग्जाम ऐसे हैं सर जो भी कोचिंग वेबसाइट डालते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, तो वो ऐसे के प्रिपरेशन करे और वो सब मैंने अपने वर्ड में ही सारे ऐसे लिखे, वो एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया था सर। ऐसे ही प्रेस के लिए भी मैं अपने न्यूज़पेपर रीडिंग करता था, तो न्यूज़पेपर की रीडिंग से ही उस रीडिंग को ही समराइज करके उसका प्रेस बनाने की कोशिश करता था, तो ऐसे मैंने सर 20-25 प्रेस और ऐसे 20-25 ऐसे के टॉपिक कलेक्ट करे जो कि मैंने अपने वर्ड में लिखे सर। और बाकी गेम सेम्स थे जो टॉपिक टाइपिंग के ऑलरेडी अवेलेबल हैं गूगल पे, उससे आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और जैसे कि मान लीजिए कि आपने जैसे बहुत सारे आपने बताया कि बहुत सारे एग्जाम, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे थे उससे मतलब वो आपको क्या फायदा, जैसे कि आपको यूपीएससी भी आपने आप दे रहे थे, ठीक है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज दे रहे थे आप, हाँ सर, और भी
एग्जाम्स होते हैं उसमें, जैसे ईपीएफओ के एग्जाम है और एओ वगैरह के एग्जाम्स हैं, मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं करता। जैसे ईपीएफओ का एग्जाम दिया था आपने, वहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका मिलता है जैसे अकाउंटिंग हो गया, और यहाँ पे भी अकाउंटिंग हो गया, तो क्या उससे फिर फायदा मिला होगा आपको? सर अकाउंटिंग तो मेरा मतलब 11th आपका क्लास तो से ही मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, बैकग्राउंड है, तो अकाउंटिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अच्छा तो सही है। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फाइनेंस सर ये ऑलरेडी मैंने अपने कंपनी सेक्रेटरी में बहुत पढ़े हुए हैं और बहुत डेप्थ में पढ़े हुए हैं, तो उस वजह से फायदा मिला है मतलब मेनली। बाकी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स का बस यही है कि एक पैटर्न आपको समझ में जाता है किस तरीके से आपको लेके चलना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। जी, और जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट एग्जाम, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन मैं कर रहा था, ठीक है, तो उससे क्या आपको पेपर वन में कुछ फायदा मिला, जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, इस टाइप से? हाँ सर, ये सारे एग्जाम्स ऐसा है कि आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो ये रीजनिंग पॉइंट और ये इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो पहले से भी कुछ एग्जाम्स दिया है। और बेसिकली इस एग्जाम के लिए मैंने कुछ टेस्ट भी लगाए थे, तो वो टेस्ट से भी मेरे को बेनिफिट हुआ है, इस वजह से सर वो बन गया था। और मैंने फोकस किया, मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी, मेनली फोकस रहा कि क्या मेरे को करना है, क्या छोड़ना है, जी, तो उसी तरीके से। तो आपको जैसे कि अभी पीडिया से आपको मतलब किस टाइप से फायदा मिला आपको? सर एक्चुअली ये वैसे भी जो कंटेंट डेवलपमेंट अभी पीडीएफ का अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, तो पहले भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में और अभी सेबी में भी मैंने बहुत से टॉपिक्स उससे यूज करे थे। साथ ही सर एक जो इंटरव्यू के टाइम पे अभी पीडीएफ ने एक मेरे को एक क्वेश्चनेयर दिया था अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, जिसको डेफ टाइप का होता है सर, जो और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एचआर के मेरी पर्सनल लाइफ से और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेबी में पूछने के लिए इंटरव्यू के लिए, तो वो मैंने सर यूज किया था। तो अभी आप मान लीजिए कि जो बच्चे आने वाले हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप मतलब किस टाइप से बताते हो कि मतलब क्या कुछ कहना चाहते हो आप उनके लिए? सर एग्जाम्स तो गवर्नमेंट टफ होते जा रहे हैं वैसे भी, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि सर रेगुलर आपको किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो फिर आपको उस एनवायरमेंट में रहना जरूरी है, आप वो उस पर फोकस करते चलो और बस हारो मत, मतलब होप रखो, होप रहने से और वो सब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, आप छोड़ो मत बीच में भी, तो मेरे ख्याल से सर कोई भी एग्जाम निकल सकता है। तो एक अगर मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है, ठीक है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता है या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी है, तो अगर आप कोई सेबी के प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको उसके लिए मतलब कितना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, कि कितने दिन पहले उनको अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए? सर अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो उसको तो मिनिमम 1 ईयर मेरे को लगता है कि जरूरी है, बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी सर 80 पोस्ट हैं और 80,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन समझ में आता है, तो सब प्रिपरेशन बहुत अच्छे ही करेंगे। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए तो थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन लगेगा, आई थिंक मिनिमम 1 ईयर सर, और कोई कॉमर्स बैकग्राउंड है तो 5-6 महीने की प्रिपरेशन में भी सर, अगर वो डेडिकेटेडली करता है और उसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं जो मेरे केस में था सर, तो वो निकल सकता है। बट फिर भी पढ़ाई आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम टाइम में करोगे और फिर जितना टाइम ज़्यादा रहेगा तो आप रिलैक्स थोड़ा होके कर सकते हो। चलिए ग्रीस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप अपने फ्यूचर में और आगे बढ़ें, ठीक है, और हमारे देश को, देश की सेवा करें। चलिए एंड थैंक यू, और अगर आप हमारे जो आपके प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर बस यही है जो मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोड़िए मत, बिकॉज घर का प्रेशर है और भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वैसे भी एनवायरमेंट ऐसा है कि प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप करते रहिए, छोड़िए मत, एक बार मिनिमम 3 बार दीजिए। ज़्यादातर देखा है कि 3rd अटेम्प्ट ज़्यादा लोग क्लियर करते हैं स्टैटिस्टिकली सर, तो ऐसा बहुत से जगह है, बहुत से एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि 2nd 3rd में ज़्यादा लोग क्लियर कर जाते हैं, तो आप देते रहिए, बस लगे रहिए। चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ग्रीस। थैंक यू सर।